हमें धमकियां आ रही हैं मेल्स के थ्रू, हमारे को थ्रेटन किया जा रहा है कि आपको टर्मिनेट कर देंगे। कल हमारे एक टीचर को सस्पेंड कर दिया। मेरी दो बेटियां हैं, मेरे को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, आप बताइए मैं कैसे सरवाइव करूं। बट 1.5 महीना हो गया, हमारे बच्चों की प्रॉपर क्लासेस ही नहीं हो रही हैं। बट हम टीचर्स को भी इसमें मतलब गलत नहीं ठहरा सकते, जब उनको सैलरीज नहीं मिली तो अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज़तर्रार न्यूज़, जहाँ पर दिखाई जाती हैं दिल्ली की तमाम बड़ी खबरें। देखिए, दिल्ली में यूं तो कई तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन आज जिस मामले के बारे में हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आपको भी ज़रा सी हैरानी हो सकती है। ये जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दिल्ली के एक स्कूल के जो शिक्षक हैं, वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ काम करने वाला स्टाफ है, ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये अपने हक के लिए यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार इस भीड़ से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं, क्या कुछ उनकी प्रशासन से मांगे हैं और क्या कुछ उनके साथ हुआ है जिसकी वजह से वो रोड पर खड़े होने पर जो है मजबूर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि भाटिया है। तो क्या आप एक स्कूल में जो है टीचर हैं? यस मैम। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग जो है सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? मैम, हम पिछले 4 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, वी आर नॉट गेटिंग आवर सैलरीज, हमें अपनी फैमिलीज भी रन करनी है। आप बताइए, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्कूल के सारे काम कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लासेज होती हैं, उसके बाद स्कूल की जब भी कोई मैसेज आता हम उसका उसी टाइम रिप्लाई, मीटिंग्स हैं, सब काम कर रहे हैं, CBSE का काम है वो कर रहे हैं, सारे काम हम कॉन्टिन्यूशन में कर रहे हैं, इवन देन वी आर नॉट गेटिंग द सैलरीज। आप मुझे ये बताएं कि कौन से स्कूल में आप लोग जो हैं शिक्षिका हैं? हम SS मोता सिंह सीनियर सेकेंडरी विकास यहाँ पे हैं, जनकपुरी के हैं, पश्चिम विहार के हैं और नारंग कॉलोनी में हैं। तीन जो तीनों ब्रांच हैं उन तीनों के जो शिक्षक हैं क्या यहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल, तीनों के हैं, इवन हमारा जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ है वो भी हमारे साथ है, पेरेंट्स हमारे साथ हैं और बस हमारी ये एक मांग है कि हमें सैलरी दी जाए। क्या आप लोगों को भी 4 महीने का वेतन नहीं मिला है? नहीं मिला मैम। मैम, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी 6 पर्सन यहाँ रहती हैं सामने 89 नारंग कॉलोनी, और यहाँ पे 3 स्कूल्स की वो मालिक हैं, जनकपुरी, नारंग कॉलोनी और पश्चिम विहार, उनके अंडर 3 स्कूल्स आते हैं और यहाँ पर टीचर्स को फोर्स किया जा रहा है इस मोमेंट तक ला के हमारे को छोड़ दिया गया है, जहाँ पर उनसे इतना भी नहीं हो रहा कि वो बाहर आके हमारी प्रॉब्लम को सुन सके। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पिछले 4.5 महीने से हमारे कोई भी एम्प्लॉई को सैलरी नहीं मिली है और शी इज़ नॉट ग्रीन टू एनीथिंग, आई मीन शी डजन वॉन्ट टू पे, शी डजन वॉन्ट टू लिसन, शी डजन वॉन्ट टू होल्ड ए मीटिंग। तो हम लोग कहाँ जाएँ? जब आपसे कोई बात ही नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब टीचर्स को फोर्स किया गया यहाँ तक आने के लिए, मतलब हम इस पोजिशन में आ गए कि हमारे को रोड पर, आपको क्या लगता है जो नेशन बिल्डर्स हैं वो ये काम करेंगे क्या? हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके खड़े होना? लेकिन जिस प्रोफेशन में हम हैं, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स, ये हमारे आपको बहुत बच्चे दिख रहे होंगे जो हमसे पढ़ रहे हैं या हमसे पढ़ के जा चुके हैं, पर इवन देन दीज चिल्ड्रन आर विद अस, दे आर सपोर्टिंग अस, हमारे क्लास 4 एम्प्लॉईज हैं सारे यहाँ पर, ऑल ऑफ देम द पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव, बट दिस लेडी, आई मीन। आप मुझे ये बताएं कि कब से आप लोगों ने जो है ये धरना प्रदर्शन शुरू किया था? मैम, ऑफिशियली स्ट्राइक हमारी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी, वी आर गोइंग थ्रू कोर्ट, वी आर गोइंग थ्रू लीगल चैनल, हम लोग लीगल तरीके से ही जा रहे हैं, हम लोग कोर्ट में केस भी फाइल कर चुके हैं, 7th Pay Commission का कोर्ट में हमारा केस 3 साल चला जो कि हम जीत गए, उसमें 45 टीचर्स को ऑलरेडी जीत मिल चुकी है जिसकी अक्टूबर से सैलरी रिलीज होनी चाहिए 7th Pay Commission के अकॉर्डिंग, बट उसका तो खैर अभी कोई बात ही नहीं कर सकते क्योंकि सैलरीज ही नहीं मिली जो कि 6th Pay Commission के हिसाब से मिलनी चाहिए थी। आप मुझे ये बताएं, जैसे इन्होंने कहा कि 15 दिसंबर से जो ये धरना है आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो यहाँ की चेयरपर्सन है उन्होंने आप लोगों से आके कोई भी बातचीत करना ज़रूरी नहीं समझा, तो आप मुझे ये बताएं कि कब तक आप ये जो धरना है जारी रखेंगे? जब तक हमारी सैलरीज की एश्योरेंस नहीं मिलेगी हमें, हम ये तब तक धरना जारी रखेंगे कि द प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉल्व्ड। जब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा तब तक तो हमारी प्रॉब्लम तो यही है ना, हमारा गैप 2 से 4, 4 से 5 हो रहा है, 5 से 6 होगा और हमारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारा मैनेजमेंट हमें एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है कि ये सॉल्यूशन है हमारे पास आपकी प्रॉब्लम का, तो ठीक है हमें एड्रेस करें, हमें सॉल्यूशन दें, कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिना सॉल्यूशन के आप बताओ हम कब तक काम करेंगे, बिना सैलरीज के कोई कब तक काम कर सकता है? प्लीज़
हमें सब कोई भी ये बता दे कि बिना सैलरी के कोई कब तक काम कर सकता है। बिल्कुल, हमें धमकियां आ रही हैं मेल्स के थ्रू, हमारे को थ्रेटन किया जा रहा है कि आपको टर्मिनेट कर देंगे। कल हमारे एक टीचर को सस्पेंड कर दिया हमने, जब यहाँ पर रात को 11 बजे तक प्रदर्शन किया यहाँ पर, तो उसके बाद बहुत कहने के बाद उस सस्पेंशन को वापस रिवोक किया गया, वो भी इसलिए कि यहाँ पर शायद बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और शायद लोगों के कहने से, और जब देखा कि इतने सारे लोग आ गए हैं और जब इनको लगा कि हमारी गलती है और हमने ये जो स्टेप लिया है, लोगों को धमकाया है या टीचर्स को धमकाया है या थ्रेटन किया है, तो तब इनको मजबूरी में अपना वो जो स्टेप है वापस लेना पड़ा। देखिए, टीचर्स तो इस प्रदर्शन में शामिल हैं ही, साथ में जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो उनके जिन्हें वो पढ़ाते हैं उन वो भी यहाँ पर शामिल है। एक बार उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्यों इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये आपके टीचर्स हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप मुझे ये बताएं, चलिए इनको तो सैलरी नहीं मिलेगी इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं? ऑब्वियसली इन्होंने हमें बनाया तो हम इनके सपोर्ट करने आए हैं, और क्या, यही कुछ एक रीज़न। हाँ जी बिल्कुल, आप सारे इन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ? एब्सोल्युटली राइट मैम। क्या नाम है आपका? रबनूर। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 11th। आप मुझे ये बताएं, चलिए आपके टीचर्स को तो सैलरी नहीं मिली इसलिए वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हम टीचर्स को सपोर्ट करने, बिकॉज इन्होंने भी हमारे हर टाइम पे सपोर्ट किया हमारे को, सो व्हाई नॉट वी, वी आर आल्सो हियर टू सपोर्ट देम। आपको भी नहीं मिली सैलरी? मुझे भी नहीं मिली सैलरी। आप क्या काम करते हैं? मैं लेडी गार्ड हूं, लेडी गार्ड हूं बच्चों। मेरा नाम राजवती है और मैं सफाई कर्मचारी में करती हूँ काम, लेकिन मैम ये है 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं मिली है। 12,950 रुपये हमारे को कट के मिलते हैं पैसे, हमारी 2020 से हमारी सैलरी बढ़ चुकी है, हमें वो बड़ी भी सैलरी नहीं मिली है। 3 महीने का समय है, देखिए हर किसी व्यक्ति के लिए जो महीने की सैलरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 3 महीने का लंबा समय बीत गया है लेकिन अब भी आपको जो है सैलरी नहीं मिली है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे आप घर का गुजारा कर रहे हैं, कैसी आपकी जो ज़िंदगी है वो गुजर बसर हो रही है? मैम ऐसा है कि 3 महीने का मतलब ये होता है कि हमारे को अगर 1 मंथ में अगर सैलरी नहीं मिली है, अगर हमारे को 1 मंथ में सैलरी नहीं मिली है तो हम अपना महीने का खर्चा कैसे निकालेंगे और खर्चा कैसे निकालेंगे? किराए पे रहते हैं मैम, और कहाँ से हम राशन लाए, उधार ले लेके हम कहाँ तक खाएं? राशन वाला भी बोलता है, किराए मकान मालिक भी बोलता है, उठा के वो बाहर निकाल देगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से हमारे बच्चे पाले, हम गरीब आदमी। देखिए इस धरना प्रदर्शन में जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनके माता पिता भी हमें यहाँ पर नजर आए, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सिमरजीत कौर। मेरी बेटी 6A में पढ़ती है, बट उनकी वैसे टीचर्स हो गए, उनको 2 साल हो गए जैसे कोविड में, वो बड़ी हमें पता है कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी टफ होती हैं उनके लिए भी पढ़ा रहे हैं, बट 1.5 महीना हो गया हमारे बच्चों की प्रॉपर क्लासेस ही नहीं हो रही हैं, बट हम टीचर्स को भी इसमें मतलब गलत नहीं ठहरा सकते, जब उनको सैलरीज नहीं मिली तो अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा देंगे। अच्छा तो जो टीचर्स हैं क्या स्कूल में अपनी सेवाएँ नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो पूरी सेवाएँ सिर्फ 2-3 दिन हो गए उन्होंने अब बंद करी है, बट लास्ट मंथ से जब से इन्होंने बड़े बच्चों के क्लासेस एग्जाम स्टार्ट हुए हैं इन्होंने क्लासेस बंद कर दी उस रिगार्डिंग, बट अब ये है ना कि आप अब बीच में पेपर थे उनके, 2 पेपर पोस्टपोन कर दिए हैं उनके स्कूल में, और जैसे अब अभी ये स्कूल से हमें नोटिस भी आते हैं एनुअल चार्जेस के लिए, बट आप ये बात बताइए जब हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे तो हम एनुअल चार्जेस किस बात के पे करें? आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चों की जो सालाना फ़ीस है वो कितनी होती है? सालाना फ़ीस तो नहीं लेकिन हमारी 27 मंथली फ़ीस जाती है हमारी, ठीक है, हम मंथली भी पे कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों से भी एनुअल चार्जेस मांग रहे हैं, हम लोगों ने यही बोला कि जब स्कूल ओपन होंगे तब हम एनुअल चार्जेस देंगे, तो हम लोगों को भी यही प्रेशराइज करते हैं बार बार, हर किसी मैम को बोल के कि आप बच्चों को फ़ोन करो। ये बताएं कि कहीं ना कहीं जो टीचर्स सड़कों पर उतरे हैं अपनी सैलरी के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इससे आपके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होती नजर आ रही है? बहुत हो तो रही है, बट ये लोग ठीक है, ये लोग अपने हक के लिए बोले, इनको सैलरी दी जाएगी तो ये ऑब्वियसली अभी अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे ये लोग। और मैं SS मोदा सिंह जनकपुरी ब्रांच की TJT हिंदी टीचर हूँ। कल मुझे एक सस्पेंशन लेटर मिला है और वो इसलिए मिला है क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से सैलरी के लिए जो है स्कूल में सबके बिहाफ पे भी बात कर रही हूँ और अपने लिए भी बात कर रही हूँ। मैं एक सिंगल पेरेंट भी हूँ और 4.5 महीने से सैलरी ना मिलने से, क्योंकि 4.5 महीने अब होने वाले हैं तो सैलरी नहीं मिल रही है, तो हम सब लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। इवन मेरे जैसे सिंगल पेरेंट्स भी हैं और हमारे जो मेल स्टाफ मेंबर हैं जिनकी पूरी घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो जब भी हम आवाज़ उठा रहे हैं अपनी तो उसकी वजह से सब लोगों को हर रोज़ ऐसे ऐसे मेल आते हैं जिनमें धमकियाँ होती हैं
यहाँ तक कि हमारी चेयरपर्सन ने 18 नवंबर को पूरे स्टाफ को, जनकपुरी स्टाफ को, नारंग कॉलोनी स्टाफ को और पश्चिम विहार के स्टाफ को एक ऐसा मेल भी भेजा जिसमें लिखा कि मैं कोई भी अगर हमारे खिलाफ बोलेगा या कोई ऐसा एक्शन करेगा जो हमें पसंद नहीं है तो हम उनको टर्मिनेट भी कर देंगे। तो जबकि ऐसा लगता है कि भाई चेयरपर्सन की पोस्ट पे होकर वो ऐसी अथॉरिटी भी उनके पास नहीं है। तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करने आए थे यहाँ पे, अभी हमारे पास बहुत कम मेंबर है यहाँ पे, काफ़ी लोग घर जा चुके हैं। 4 बजे से यहाँ पे कम से कम 150 टीचर्स थे और 50 के करीब हमारे पेरेंट्स भी थे जो हमारी सपोर्ट में आए हुए थे। और हम सब लोग जो है लगातार सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम के घर के बाहर आकर कि वो एक बार ही बाहर आके हम सब लोगों को एड्रेस करें और कहें कि भी ठीक है हम लोग इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ करेंगे, आप लोगों को सैलरीज दे देंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक बार भी नहीं आई हैं। और सस्पेंशन लेटर के लिए भी हम सब लोगों ने, क्योंकि ये हमें सैलरी चाहिए थी, हमें ये उसके बदले में ये नहीं चाहिए था, तो ये हम सिर्फ एक मेरे को सस्पेंशन लेटर मिलने से सभी ब्रांचेस में टीचर्स इस बात से हिले हैं क्योंकि आज मेरे साथ ही हो रहा है तो कल सबके साथ हो सकता है। तो ये आवाज़ भी हम सब लोगों ने उठाई है जिसके बदले में वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको रिवोक कर दे। चाय पिला रहे सब कुछ, उनसे बार बालकनी में आके हमको एड्रेस तक नहीं करा गया और हमें एश्योरेंस नहीं दी गई कि हाँ आप लोग सही हो, आप ठीक जाओ और हम आपको सैलरी दे देंगे। इतना बोलते हम चले जाएंगे, कोई वर्ड नहीं बोला, कुछ नहीं, शक्ल तक नहीं दिखाई उन्होंने। हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, 11 बजे से पेरेंट्स खड़े थे, अब तो पेरेंट्स भी चले गए हैं। पेरेंट्स ने हमारे लिए चाय, समोसे, छोले, क्या क्या चीजें उन्होंने हमारे लिए अरेंज करी, पर इन्होंने कुछ नहीं। डायरेक्टली आपको सबमिट करेंगे, अब हम यहाँ पे फीस नहीं पे करेंगे। पेरेंट्स हमें ये बोल रहे हैं कि आप हमें अकाउंट नंबर दो, पेटीएम नंबर दो, हम सैलरी, हम अपनी फीस आपके अकाउंट में डालते हैं, आपको वहाँ से सैलरी हम देंगे, अगर ये नहीं दे रहे तो। अब पेरेंट्स ने भी यहाँ फीस देना बंद कर दिया, वो क्यों देंगे फिर? अगर आप हमें सैलरी ही नहीं दे रहे हो तो फिर वो क्यों फीस देंगे? आप सेम एक ही उनकी वो होती है कि फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं, फंड्स कैसे नहीं है? एनुअल चार्जेस आप ले रहे हो, फीस आप ले रहे हो, तो फंड्स कहाँ जाते हैं? हमें देते नहीं तो फंड्स कहाँ जाते हैं? स्कूल तो बंद पड़ा है, स्कूल की क्या मेंटेनेंस हो रही है? ना कोई बिल्स आ रहे हैं, ना कोई कहीं रहती है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरे को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, आप बताइए मैं कैसे सर्वाइव करूँ? हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार हमसे बात कर लीजिए, कोई अश्योरेंस दे दीजिए। जब तक इनके फादर थे तब तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और जब से इन्होंने करा है टेक ओवर तब से बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है। इनके पास इतने फंड्स आ रहे हैं, फीस इनके पास प्रॉपर आ रही है, दिसंबर तक की आई हुई, हमको अगस्त की सैलरी नहीं मिली अभी तक। आप देख सकते हैं ये जो टीचर्स सड़कों पर उतरे हैं उनके साथ उनके स्टूडेंट्स, और वहीं उन स्टूडेंट्स के जो माता पिता हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। टीचर्स की मांगों की बात की जाए तो उन्हें महीनों से तनख्वाह तक नहीं मिली है। वहीं जो स्कूल का अन्य स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मेड हैं, जो गार्ड हैं, उन तक की भी सैलरी जो है अभी तक नहीं मिली है। महीनों से वो लोग बिना वेतन के काम कर रहे हैं, तो ये हर किसी के लिए शायद एक बहुत ही बड़ी बात है कि इतने महीनों से जो है बिना वेतन के काम किया जाए। हर किसी के पास अपने खर्चे होते हैं, हर किसी को अपनी सैलरी का इंतज़ार होता है, और वहीं जब सैलरी ना मिले तो लोगों को, जो टीचर्स हैं, वो मजबूरन सड़कों पर उतरने पर जो है मजबूर हो गए हैं और अपने अधिकारों के लिए जो है मांग करते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरा उस साइड घुमाया जाए तो बताया जा रहा है ये जो घर यहाँ पर जिसके सामने ये पूरे जो शिक्षक हैं उनके छात्र हैं वो प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं, ये उस चेयरपर्सन का घर है जिनके द्वारा इन लोगों को जो है सैलरी दी जाती है, जो इनके स्कूल की जो मालिक बताई जा रही है वो है। लेकिन उन्होंने अभी तक जो है, कल से ये प्रदर्शन चालू हुआ है, अभी तक इन लोगों से बाहर आकर एक बात भी बात करने की जहमत नहीं समझी है, ना ही वो अब तक बाहर आई हैं और ना ही इन लोगों से किसी भी तरह की कोई भी बातचीत की गई है, ना ही इन्हें कोई दिलासा दिया गया है कि कब तक इनकी सैलरी दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कब शिक्षकों की जो तनख्वाह है वो इन्हें दी जाती है और कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब ये सब एक देखने वाली बात होगी और देखना होगा कि कब तक। देखिए, पहले तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि जब जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं वो इस कदर मजबूर हो जाएं कि वो सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए आ जाएं, तो इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।